हाँ दोस्तों, तो कैसे हो सभी। स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। तो मेरा नाम है नियाल और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनजान दोस्त। तो आज का हमारा सफर होने वाला है खजुराहो से निजामुद्दीन के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में, जिसका आज है इनोग्रल यानी कि फर्स्ट रन। और ये हमारे सामने लगी हुई है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि कुछ ऐसे दिखती है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर लेता हूँ इसके कोच पोजिशन और टाइमिंग की। इस ट्रेन में आपको 7 CC के कोच मिल जाएंगे और साथ ही साथ एक एग्जीक्यूटिव क्लास का कोच भी देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यह जो ट्रेन है सुबह 6 बजे निजामुद्दीन से डिपार्ट होगी और दोपहर को 2:30 पर खजुराहो पहुँचा देगी। और ठीक सेम डे 2:50 पर यहाँ से रवाना होगी और रात को लगभग 11 बजे आपको उतार देगी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो इस दौरान इसकी मैक्सिमम स्पीड रहने वाली है 160 KMPH। दोस्तों, तो अब बस कुछ ही समय बाद हमारे मोदी जी इसको दिखाने वाले हैं हरी झंडी, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और कुछ ही समय बाद हमें मिल जाएगा यहाँ से डिपार्चर और हम लोग रवाना हो जाएंगे निजामुद्दीन की ओर। और ये खड़ी हमारे पीछे सैफरॉन वंदे भारत, देख सकते हो आप लोग, काफ़ी खूबसूरत चमचमाती हुई, क्या शानदार लग रही है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। आज हमारी इसमें जर्नी होने वाली है, एंड टू एंड करेंगे भाई। जी, ये हो चुका हमारा इस तरह से स्वागत, ये हमें साथ में दिया गया फूल और ये है हमारा पास जिसमें हम लोग सफ़र करने वाले हैं खजुराहो से निजामुद्दीन के बीच। और कुछ ऐसा दिखाई देता है इस ट्रेन का इंटीरियर। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटीरियर सामने। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक डोर्स देखने को मिल जाएंगे और ये लगी हुई है स्क्रीन जिसमें नेक्स्ट स्टेशन नेक्स्ट होल्ड कौन सा आने वाला है और कितने किलोमीटर की स्पीड से हमारी ट्रेन दौड़ रही है। और ठीक सामने आपको डिस्प्ले मिल जाएगी जिसमें आपको कोच नंबर और नेक्स्ट होल्ड आने वाला सब कुछ दिख जाएगा। और सामने ये दिख लो लगी हुई है रीडिंग लाइट जो कि टच करते ही काम करती है, कुछ ऐसे 3x2 का सीक्वेंस है। आज सामने आपको ये देखो ट्रे दी गई है और सामने मैं मैगा और ये आपका फुट रेस्ट आर्म रेस्ट, सामने बोटर होल्डर भी दिया हुआ है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। और बस बाकी तो सब कुछ सेम है जो मैंने लास्ट टाइम वंदे भारत में आपको दिखाया था, तो वैसा ही सेम सब कुछ है, कुछ अलग देखने को नहीं मिला कुछ खास। जैसे यूज़ करना देखो, जैसे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली डोर खुल जाएंगे और ये सामने आपको दिख रहा है इसका वॉशरूम। चलो मैं इसका वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। तो ये है इसका वॉशरूम, सामने लिक्विड सोप है, ये टैप है, टैप में पानी है। गेट से जैसे आप एंट्री लोगे तो सामने आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा इसका इंटीरियर। और ये आपके सामने लगे हुए CCTV कैमराज, ऊपर लाइट है, तो सब कुछ कंफर्टेबली पूरा बढ़िया है। जी हाँ दोस्तों, तो 9:30 पर हमारी ट्रेन को डिपार्चर मिल चुका है खजुराहो से। और सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके द्वारा हमारी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। तो यहाँ से हम लोग अलविदा कहते हुए खजुराहो को। बागेश्वर धाम के लिए, जो आपने कभी देखा ही होगा बागेश्वर धाम, जो बागेश्वर बाबा है उनके मंदिर अगर आप दर्शन करना जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उतर करके दर्शन कर सकते हैं। खैर होल्ड तो ज़्यादा है नहीं, सिर्फ 2 मिनट का होल्ड दिया गया, तो मैं आगे जा के ज़्यादा तो आपको दिखा नहीं सकता। बाहर से देख लीजिए आप लोग कैसा ऐसा दिख रहा है। और ऑटोमेटिक डोर है तो इस चीज़ का आप जरूर से जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये तुरंत ही तुरंत बंद हो जाएंगे। तो इसे आप बहुत ही सावधानी से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक डोर है तो कभी भी बंद हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जो भी आप इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। तो और ज़्यादा देर का होल्ड है नहीं, तो मैं भी चलता हूँ ट्रेन के अंदर और आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन का डिपार्चर। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली 10 मिनट के होल्ड के बाद अब हमें डिपार्चर मिल चुका है। होल्ड तो खैर 5 मिनट का था, 5 मिनट डिले हो गई। Wishes.
तो हाँ भाई, ट्रेन के डिपार्चर के कुछ समय बाद ही अब हमें सर्व किया जाने लगा है मॉर्निंग स्नैक्स। चलो भाई, तो इसके अंदर हमको मिला एक ये अमूल का मिल्क, साथ में एक ये समोसा, ये है हल्दीराम की चिक्की, और ये आलमंड्स दिया गया, साथ में ये मफिन टाइप है, और ये लो केचप है, साथ में हैंड सैनिटाइजर। भोपाल खजुराहो मामना, देखो कुछ इस तरह हो रहा है हमारी ट्रेन का स्वागत। ये देखो भाई साहब, पूरा धूम धड़ाके के साथ सिग्नल हो चुका है ट्रेन का, अब हम चलते हैं कोच के अंदर। ये देखो भाई साहब, तो ऑटोमेटिक डोर्स है, तो इन चीज़ों को तो आपको ध्यान रखना ही है। लो डोर्स ये बंद हो गया, अब जो अंदर रह गया तो अंदर रह गया, जो बाहर चला गया तो बाहर चला गया, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना आपको। लो भाई, फाइनली डिपार्चर हो चुका अपना टीकमगढ़ से, देख लीजिए टीकमगढ़ की पब्लिक भाई साहब, इसे बोलते हैं वंदे भारत का क्रेज। खैर इस रूट पे पहली वंदे भारत है, क्रेज तो होगा ही, ऑलरेडी एक वंदे भारत है जो कि भोपाल दिल्ली कनेक्ट करती है। जय श्री राम। टीकमगढ़, गोरखपुर सुपरफास्ट, हमारी ट्रेन को ओवरटेक मार के ललितपुर स्टेशन के पास, LTT गोरखपुर। ठीक सामने जा रही है पुणे जम्मू तभी। हाँ भाई, 165 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है ललितपुर रेलवे स्टेशन, और ललितपुर यह है एक जंक्शन पॉइंट जहाँ से एक मेन लाइन यहाँ से आती है जो कि भोपाल की ओर निकल जाती है, दूसरी यहाँ से खजुराहो की ओर निकल जाती है, जिससे हम लोग अभी आ रहे थे। और ठीक अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से दिल्ली की ओर, और यहीं पर हमारी ट्रेन का होगा यहाँ पर से लोकल रिवर्सल। अभी हम लोग जा रहे थे इस डायरेक्शन में और अब हम वापस जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो यही खासियत है ललितपुर रेलवे स्टेशन की। तो ये देखो भाई, कितनी भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी भाई दबा के भीड़ ही हुई पड़ी है, बस अब 2 से 3 मिनट रहेगी हमारी ट्रेन को डिपार्चर होने। मिनट के डिले के साथ अब हमारी ट्रेन ललितपुर से डिपार्ट होती है। हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस में देख लो, इन सबको लोग की स्पीड कर रहे हैं। लो भाई, ललितपुर से निकलते सीधा फ्लैट 130 वे।
जी हाँ दोस्तों, 256 किलोमीटर का डिस्टेंस कम करने के बाद अब हमारी तिरंगा लग चुका है, यानी कि झांसी रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे हमारी जो ट्रेन लगभग 12 घंटे डिले हो गया है 15 घंटे का, और यहीं से हमारी ट्रेन पे किया जाएगा लंच बोर्ड। पूरा स्वागत बढ़िया से किया हुआ भाई, पूरी सजावट वजावट बढ़िया करवा रखी है। यहाँ के स्कूल के स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ से उतरते हुए, कुछ लोग यहाँ से उतरेंगे और बहुत से लोग यहाँ से बोर्ड भी होंगे ट्रेन। सामने लगी हुई है गतिमान एक्सप्रेस, यानी कि इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन, जो कि 160 किलोमीटर की रफ्तार से भागती है। क्या मस्त व्यू है भाई, एक तरफ है आपकी गतिमान एक्सप्रेस और दूसरी तरफ लगी हुई है हमारी खजुराहो वंदे भारत। तो भाई झांसी से पहुँचते ही सबको मिल चुका है पेपर, ये देख लो भाई न्यूज़पेपर, जिसको पढ़ना पड़ सकता भाई। झांसी से डिपार्चर होते ही हम लोग आ चुका है लंच, तो खोलते हैं इसको, देख के बताते हैं क्या है इसमें। लो भाई, तो ये हमारी थाली, इसमें दी गई है दाल, ये मिक्स वेज, ये एक गुलाब जामुन का पीस, इधर राइस है, और एक दो पीस हैं इसके, पनीर के मटर पनीर है, और साथ में चपाती। तो ये आज का हमारा लंच। वंदे भारत वा
रानी कमलापति वाली वंदे भारत ओवरटेक का है भाई, क्रॉसिंग है रानी कमलापति वंदे भारत। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं ताजनगरी यानी कि आगरा का माहौल। ये है भाई आपका आगरा रेलवे स्टेशन, जहाँ का एक तो ताज फेमस है और दूसरा है आगरा के पेटे, तो वो तो कभी ना कभी आप लोगों ने ट्राई किए ही होंगे। बस अब कुछ ही समय में हमारी होने वाला है ट्रेन का डिपार्चर, चलते हैं कोच के अंदर और आपको दिखाते हैं इसका डिपार्चर। हजरत निजामुद्दीन तो फिलहाल हो चुका है आगरा से डिपार्चर और हो चुका है हमारा शाम का इवनिंग स्नैक्स। देखते हैं इसके अंदर हमको आज क्या मिला है। वही सुबह की तरह मफिन, एक आमंड्स और एक ये है एप्पल का ड्रिंक, बस और तो कुछ नहीं, चीज़ ही मिला। कोचिंग यार्ड, कोच यार्ड, अरे सीताराम भाई ट्रिप शेड आपस से ना बात करके देखेंगे तुम्हारे क्या चीज है नहीं मिली अलग अलग।
हमारे फाइनल डेस्टिनेशन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे हम लोग आए हैं बिल्कुल टाइम। और ये खड़ी है हमारे पीछे वंदे भारत, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है, और आपने देखा ही होगा पीछे हमारे ट्रेन का कैसे स्वागत किया गया। तो आपको वीडियो पसंद आई है और ये वंदे भारत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वंदे भारत की वीडियोज़ देखने को मिल सके। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, बाय।